नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक नई न्यूज आई है लॉकडाउन से संबंधित, तो उसके बारे में मैं आपको अपने वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना के मरीजों की घटती हुई संख्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार 1 जून से लॉकडाउन खत्म करने पर विचार कर रही है। फिलहाल सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फिलहाल कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील नहीं मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र जारी कर 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, वर्तमान में भले ही कोरोना संक्रमित मामले कम हो रहे हैं लेकिन सक्रिय मामले अधिक है, जिससे कोरोना रोकथाम के उपायों का अनुपालन 30 जून तक जारी रखें। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह जिला प्रशासन के माध्यम से सख्ती बरती जाए, जिससे संक्रमण को कम किया जा सके। उसके बाद जिला प्रशासन स्थानीय स्थिति को देखकर कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों को लागू करने के आदेश जारी कर सकते हैं। दोस्तों, राज्य के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौहान ने दावा किया है कि प्रदेश में कोविड कर्फ्यू के चलते कोरोना का ग्राफ तेजी से गिर रहा है और इससे कोरोना की चेन लगभग टूट चुकी है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार 1 जून के बाद लॉकडाउन हटाने पर विचार कर सकती है। दोस्तों, पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता के सहयोग से कोरोना को हराने के लिए कोविड कर्फ्यू का प्रयोग सफल रहा है और अब राज्य में कोविड की चेन टूट रही है। कैबिनेट की बैठक में सरकार 1 जून से कोविड कर्फ्यू को पूरा या आंशिक रूप से हटाने पर विचार कर सकती है। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा होगा अगर 1 जून से लॉकडाउन को हटाया जाए या कहे कि अनलॉक उत्तराखंड को किया जाए, क्योंकि यहाँ का रोजगार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है लॉकडाउन लगने की वजह से, क्योंकि पूरा उत्तराखंड हमारा जो है टूरिस्ट पे डिपेंड है। टूरिस्ट आते हैं तो रोजगार होता है, तो सारा रोजगार अभी चौपट है, लोग परेशान हैं। तो जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो, तो हम आशा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते एक बार मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। उत्तराखंड की ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।